वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम्स को कंटिन्यू करेंगे एंड मेनी स्कीम्स है जितने लेक्चर हैं सारी अपलोड हो चुकी हैं तो जिन लोगों ने भी पीडीएफ फाइल्स के लिए सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो डाउनलोड uh, जाकर के कर सकते हैं किसी को कोई भी प्रॉब्लम है दे कैन कॉन्टैक्ट मी दे कैन कॉन्ट यू नो कमेंट ओवर हेयर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं टेलीग्राम कर सकते हैं जो भी सोर्स uh, के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं सो द स्कीम दैट वी आर गोइंग टू कवर टूडे अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम कॉल्ड एज पी एम इन शॉर्ट इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी जो पुराना नाम था और जो अभी करंट नेम है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया तो पीएम एम स्टैंड्स फॉर पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया तो इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लेटर स्टार्ट तो सबसे पहले तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और इसमें जो ग्रुप आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके ओबीसी दैट इज अदर बैकवर्ड क्लास ईबीसी इज योर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एंड डीएनटी दैट इज योर डी नोटिफाइड ट्राइब्स ठीक है तो डी नोटिफाइड Tribes, जिसको हम बोलते हैं तो ओबीसी ईबीसी डीएनटी कैटेगरीज को ये कवर करेगा एंड फाइनेंशियल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेगा फॉर क्वालिटी एजुकेशन ओके एंड कौन से स्टूडेंट्स uh, को बेसिकली ये uh, काटर करता है तो ये क्लास नाइन से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक के स्टूडेंट्स को बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है जो बेसिकली जो गवर्नमेंट uh, के शॉर्टलिस्टेड स्कूल्स होते हैं उसके अंदर एडमिशन के लिए या उसके अंदर uh, पढ़ाई के लिए ये सब, uh, जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है तो याद रखना है एक तो ओबीसी ई बी सी डीएनटी ये याद रखना है कि कौन सी कॉम्युनिटी बेसिकली ये कवर uh, कर रहा है एंड क्लास क्लास नाइन टू ट्वेल्व है ये भी याद रखेंगे ठीक है जी इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इसको इंप्लीमेंट करेगा और इसके अंदर एक पॉइंट और आपने याद रखना है कि जो थर्टी परसेंट स्लॉट्स होंगे वो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व किए जाएंगे जनरली वन थर्ड की हमें आदत होती है ठीक है लेकिन यहां पर थर्टी है तो उसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना अब अगर ऐसा केस बना कि स्लॉट्स तो हमने रखे हैं बट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया तो उस केस में बॉय स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी ओके अगर गर्ल्स का जो नंबर है जो स्लॉट्स उनके लिए रखे गए हैं वो फुल नहीं हो रहे हैं ओके एंड इसके अंदर एक और प्रोविजन है जो आपको याद रखना है कि ये जो स्कीम का बेनिफिट है एक परिवार में सिर्फ दो सिबलिंग्स को प्रोवाइड किया जाएगा मतलब कि सिर्फ दो बच्चों तक का अगर थर्ड चाइल्ड है पेरेंट्स का तो उसको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर प्रीवियसली दो को मिल चुका है ठीक है मतलब कि किन्नी भी दो बच्चों को बेनिफिट मिलेगा अगर चार बच्चे हैं तो भी दो को मिलेगा अब वो पहले दो को मिला है या बाद के दो को मिला है वो पेरेंट्स uh, की विश एंड विल है कि वो कौन से बच्चों को इस स्कीम के अंदर एनरोल करते हैं ओके स्कॉलरशिप को टर्मिनेट करने का भी प्रोविजन है इसके अंदर अगर बच्चा फेल हो जाता है ठीक है वो नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं जाता फेल हो जाता है तो फिर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए ओके फंड्स जो इस स्कीम के अंदर रिलीज होंगे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा डायरेक्टली अकाउंट में जाएंगे बेनिफिशियरी के ओके जी उसके बाद इसके अंदर जो ग्रांट है कितना पैसा मिलेगा कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट एज पर स्कूल की जितनी फीस होगी लेकिन अपर लिमिट्स इसके ऊपर लगी हैं। अपर लिमिट्स क्या है नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चे के लिए जो अपर लिमिट है एनुअल वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज की है यानी कि सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज या जो ट्यूशन फीस है विच एवर इज लोअर ठीक है अगर ट्यूशन फीस फॉर एग्जाम्पल पचास हजार है तो पचास हजार रुपए ही ट्रांसफर होंगे सेवेंटी फाइव नहीं होंगे और अगर ट्यूशन फीस फॉर एक्जाम्पल एक लाख रुपए है साल की तो भी सेवेंटी फाइव थाउजेंड होंगे वन लाख नहीं होंगे और इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास के लिए वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड याद रखिएगा इसके अंदर जो सिलेक्शन होगा इसमें कोई ड्रॉ सिस्टम वाला सिस्टम नहीं है प्रॉपर एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा जिसको बोला जाएगा यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट और इसको कौन कंडक्ट करेगा इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी तो एंट्रेंस टेस्ट होगा प्रॉपर एक और उसी के बेस पे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए इस स्कीम के अंडर सो दीज वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पी एम यू गाइज आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और ईजी हो गई होगी अभी ये स्कीम आपके लिए इसी तरीके से हम सारी स्कीम्स को कवर अप करते रहेंगे जस्ट यू नीड टू कीप सपोर्टिंग एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय